वेलकम टू प्योर वेज रेसिपीज़। प्योर वेज रेसिपीज़ की बनाई गई वीडियो को वॉच करें और वीडियो अगर पसंद आए तो उन्हें लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसे अरबी के पत्तों से बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है। हिमाचली में इसे बोला जाता है पतौड़े, अरबी के पत्तों के पतौड़े। तो ये अरबी के पत्ते ले लिए हैं और इनको हम ऐसे आगे से काट लेते हैं, डंडी को अलग कर लेंगे और पत्तों को अलग करते जाएंगे और इस तरह से सभी पत्तों में से डंडियां अलग कर लेंगे और पत्ते अलग कर लेंगे। और इनकी डंडी की भी सब्ज़ी बनती है, वो मैं आपको फिर बताऊँगी। और इन पत्तों को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है और अब हम इनको पत्तों के लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक कटोरी में बेसन ले लिया है और अब ये हल्दी 1 टीस्पून और ये जीरा है भुना हुआ, ये कोरिएंडर पाउडर और ये काली मिर्च और ये सॉल्ट। और इस सबको आप थोड़ा सा पानी डालें, हल्का गुनगुना पानी, और पेस्ट बना लें। लम्प फ्री पेस्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। अब इसमें आप थोड़ा सा तेल ऑयल भी मिक्स कर लें और फिर से आप इस घोल को अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये आप पत्ते हैं इनके ऊपर उल्टा रखें पत्तों को, सीधे पत्ते में नहीं लगाना है, ये उल्टे पत्ते में आप इस तरह से पेस्ट करते जाएं जो आपने ये पेस्ट तैयार किया बेसन का। अब इसके ऊपर एक पत्ता और रखें और उस पत्ते को हल्का सा प्रेस कर दें और फिर से आप उसे पेस्ट को लगाएं। फिर से एक लेयर रखें पत्ते की। इस तरह से आपको 5 या 6 लेयर रखनी है पत्तों की। और हर लेयर के ऊपर आप इसी तरह से पेस्ट लगाते जाएंगे और पत्ता उल्टा होना चाहिए, सीधा पत्ता नहीं रखेंगे आप, क्योंकि सीधा पत्ता इसका बहुत ही प्लेन होता है, जिसके ऊपर भी आप लगाएंगे पेस्ट तो बिल्कुल भी ठहरेगा नहीं। और ये देखिए, इस तरह से हमने सारे पत्तों के ऊपर लगा दिया है। अब हम इसे फोल्ड कर देते हैं और फिर से लगा लेंगे थोड़ा सा पेस्ट और इस तरह से फोल्ड करके अब हम इसे फ्रेंड्स टूथपिक लगा देंगे। टूथपिक की हेल्प से इसे बंद कर देंगे, आप चाहें तो धागे से भी लपेट सकते हैं। सारे बना लेंगे इस तरह से। और अब हम कुकर में 1 गिलास पानी ले लेते हैं और ये जो बटन रखने का स्टैंड होता है वो हम रख लेंगे, लेकिन ध्यान रहे पानी स्टैंड से ऊपर नहीं आना चाहिए। और अब हम इसके ऊपर ये रख लेंगे जो हमने बनाए हैं पत्ते कि गोल गोल इस तरह से रख के आप कुकर का ढक्कन लगा दें और सीटी निकाल लें और 20 मिनट के लिए पकने छोड़ दें धीमी आंच पर। ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। और अब इनकी टूथपिक निकाल लें जो हमने टूथपिक लगाई थी। अब हम इन्हें ये नाइफ से काट लेंगे इस तरह से। अब हम एक पैन में तेल डाल के इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए पैन में तेल डाल के इन्हें फ्राई कर लेते हैं एक साइड से, और जब एक साइड से पक जाएंगे तो आप इन्हें पलट लीजिएगा। ये देखिए अभी पक गए हैं तो मैं पलट लेती हूँ।
बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स खाने में ये। ये देखिए तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं, कितने सुनहरे कलर में आ गए हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आप मुझे कोई कमेंट या सजेशन देना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।